ग्राम अमाटोला की एक घटना सामने आई, जहां एक परिवार को सिर्फ इसलिए समाज से अलग कर दिया गया कि परिवार के साथ किसी अन्यत्र लोगों के साथ मारपीट हुई। जब समाज में कोई सामाजिक कार्य हो रहा था तो इस परिवार को नहीं बुलाया गया। परिवार ने कर्मकांड स्वयं हाईवे के किनारे किया। बताया गया कि इस परिवार को पुनः समाज में मिलने के लिए उसे सामाजिक भोज का आयोजन करना होगा व एक मुश्त राशि जमा करनी होगी। पीड़ित परिवार बहुत गरीब है, वह यह सब नहीं कर सकता। पुनः समाज में मिलाए जाने के लिए यह परिवार परेशान है। भाई बताओ क्या मामला है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो क्यों बहिष्कार हुआ तुम्हारा? जी सर, मैं दुकान में अकेली थी, गांव का लड़का आया और वो मेरे साथ बदतमीजी किया, मेरे को मारा पीटा और मेरे को बुरी नीयत से पकड़ा और थप्पड़ मारा मुझे। इसके कारण वो लड़का पंचायत लगाया और मेरे को ही बहिष्कार करवा दिया पंचायत से। आज हमारे परिवार में दुर्घटना हुई है, काका नाना ससुर जी का, तो उसमें हमें हमारे परिवार वाले गांव के डर से हमको नहीं बुलाया गया है। इसलिए हम अपने ये कर्मकांड के लिए हमें यहाँ अपना आपसे मतलब वो करना पड़ा, तो हम लोग यहाँ पर अपना जो भी बाल भद्दर है मुंडन वो किए हैं। क्योंकि क्या कहना है समाज वालों का, गांव वाले क्यों नहीं आते तुम्हारे इधर? क्या फरमान जारी किया पंचायत ने? पंचायत ने फरमान ये जारी किया है साहब कि 5,000 रुपया बकरा और भोज खिलाया जाए, और हम गरीब आदमी दुकानदारी करके अपना घर गृहस्थी चलाते हैं, इतना पैसा हम कहां से लाके देंगे साहब, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, बहिष्कार कर दिया गया है हमें। और किसी को भी इस तरह से किया था? हाँ, अभी करंट में हुआ है ना सर, हमारे गांव में ऐसा ही होता है, क्योंकि 5,000 रुपये करंट में लिया गया है अभी 2-3 दिन पहले एक मुन्नी बाई से, उनका भी ऐसा ही बहिष्कार हुआ था। अभी वो बकरा रोटी 5,000 रुपये दिया गया है तो उसको समाज में मिला लिया गया है। अब हमें मिलने के लिए हम 5,000 रुपये देंगे और बकरा रोटी घाट रोटी भोज खिलाएंगे, इसके बाद हम गरीब आदमी हम अपने रोजी रोटी जैसे तैसे करके चला रहे हैं और हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि तुम इतना दोगे तभी समाज में मिलाया जाएगा। समाज से बहिष्कार कर दिया आपका, तो क्या दिक्कत होती है आपको, क्या होता है? बहुत दिक्कत होती है साहब, क्योंकि हमारे यहाँ गांव के कोई नहीं आता, हमारे दुकान में भी न परिवार वाले आते, ना ही हमसे कोई बात करता है, क्योंकि हमको बहिष्कार किया गया है, इसलिए हमसे मुंह मोड़ लिए हैं सब। तो जो लोग नहीं आते उनको किस तरह से डराया गया है पंचायत द्वारा, उनको क्या धमकी? गांव के मुखिया हैं, तीन चार लोग मुखिया बने हैं गांव में, उन लोग बोला गया है, उनसे बोला गया है कि वहां उन लोग को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो समाज से बहिष्कार है। यदि कोई तुम्हारे इधर आएगा तो? यदि हमको जबरदस्ती, यदि हमारे यहाँ कोई आएगा तो अभी तो सुनने को नहीं मिला है, लेकिन हमें नहीं बुलाया जाएगा वहाँ पर, 5,000 रुपये दिया जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। बकरा रोटी, मेरा नाम ख्याति उइके है सर।